शिवपुरी शहर के नगर पालिका अधिकारियों सहित आगरा से आई टीम ने लगभग आधा सैकड़ा सुअरों को पकड़ने के अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं आपको बताते चले कि पिछले दो दिन पूर्व सुअर पालकों को दिए गए अल्टीमेटम की अवधि खत्म होने के बाद शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र में नजर आने वाले सुअरों को आवारा घोषित किया गया है। वही नगरपालिका सीएमओ शैलेंद्र अवस्थी का कहना है कि पकड़े गए सुअरों को शहर से 100 किलोमीटर दूर शहरी क्षेत्र के बाहर छोड़ा जाएगा। दरअसल शिवपुरी को सुअर मुक्त करने के लिए एडवोकेट संजीव बिलगैया ने न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की, जिस पर न्यायालय ने 24 घंटे के भीतर सुअर पकड़ने का अल्टीमेटम दिया था, जिससे यह अभियान शुरू हुआ। वही शिवपुरी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी शिवपुरी को सुअरों से मुक्त कराने के निर्देश दिए थे। अब गौर करने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन इसमें कब तक और कितनी सफलता हासिल करता है। क्या शिवपुरी शहर सुअर मुक्त हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शिकायत ये होती थी कि यहाँ से हम ऐसा ना हो कि पकड़ के शहर के बाहर छोड़ दें और वापस आ जाएं, तो हमारी शर्त ये है कि नगर पालिका से सुअर पकड़ के मिनिमम 100 किलोमीटर की दूरी पे आपको छोड़ने होंगे, किसी आबादी क्षेत्र से दूर, ताकि उन्हें भी दिक्कत ना हो। और इसकी हम लोग मॉनिटरिंग भी करेंगे, मॉनिटरिंग हम यहाँ से जियोटेक फोटोग्राफ लेंगे। जब ये लोग जाएंगे, जो भी गाड़ी जाएगी उसका जियोटेक फोटोग्राफ लेंगे, उसके बाद 100 किलोमीटर में अगर औसत अपन 4 घंटे मान लें, तो 4 घंटे 5 घंटे बाद उनको वहाँ से जियोटेक फोटोग्राफ भेजने होंगे, जियोटेकिंग हो सकती है। और सुअरों की गणना में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए राजस्व विभाग और नगर पालिका की सम्मिलित टीम का गठन किया गया है, जिसमें नगर पालिका के ARI हैं, सब इंजीनियर हैं, और राजस्व विभाग की ओर से पटवारी हैं, वो इसका प्रमाणीकरण करेंगे, ताकि पूरी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से सम्पन्न हो सके। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शिवपुरी से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट।